झगड़े का मेरा लड़का घर से निकला तो उसको खींच के ले गए अपने मोहल्ले में और मार के फेंक दिया। तो उनके बीच में आके औजार पकड़ के आके उनका पहले से था प्लान। कैसे प्लान था? जो छत है ना वहाँ पे ना ईंट पत्थर सब जमा करके रखे थे हर घरों के छत में पहले से रखे। अब झगड़ा था आपस में दो छोटे बच्चे के झगड़ा था। झगड़ा क्यों हुआ? ये हिंदू मुस्लिम के बच्चे स्कूल एक ही स्कूल में पढ़ने जाते इकट्ठे हो गए कुछ छत पे पत्थर ईट पत्थर औजार लेके धावा बोल दिए कुछ नीचे से कुछ अंदर से जहाँ हमारी मीटिंग हो रहा था उसके अंदर धावा बोल दिए। तो वहीं पर हमला किए। अब गए उसको तो ला नहीं सकते लेकिन जो है उसको रोक तो सकते है ना। छत्तीसगढ़ के साझा विधानसभा क्षेत्र से लगे बीरनपुर में एक घटना घटती है दोपहर 2 बजे आसपास और दिन था तारीख था 8 तारीख। उस घटना को लेकर लगातार प्रदेश भर में चर्चा है आखिर क्यों हुआ कैसे हुआ और किसने किया और क्यों किया। इन सब जानकारी को लेकर हम जानकारी लेने पहुँचे हैं बीरनपुर गाँव में और जिस शख्स का हत्या हुआ है भुवनेश्वर साहू उनके पिताजी हमारे साथ हैं उनसे जानेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था। पहले तो इस बात की खेद है पूरे देश भर को समाज को कि ये घटना घटित हुआ। जानना चाहेंगे कैसे घटना हुआ था और क्या कुछ हुआ था उस दिन। वो स्कूल के दो बच्चे की झगड़ा था आपस में जो छोटे बच्चे झगड़े हुए वो झगड़ा गाँव के अंदर आ गया। उस टाइम फिर उधर झगड़े उधर ही हो रहे थे बस्ती अंदर। मेरा लड़का इधर काम से आया काम से आने के बाद में खाना खाया खाना खा के निकला कि मेरे लड़के को उठा के ले गए और उधर अपने मोहल्ले ले जाके उसको मार के लड़के को उठा के ले गए। मेरे लड़के को उठा कौन, कौन से लड़के को उठा के ले गए? मेरा लड़का भुवनेश्वर साहू भुवनेश्वर साहू जी। अब झगड़ा था आपस में दो छोटे बच्चे का झगड़ा था। झगड़ा क्यों हुआ? ये हिंदू मुस्लिम के बच्चे स्कूल एक ही स्कूल में पढ़ने जाते तो आपसी में झगड़ा होते होते आया तो उनके पीछे बड़े कूद पड़े वही मुसलमान के बड़े जा कबाड़ी की दुकान। ये है झगड़ा का शुरुआत हुआ नदी के उस पर स्कूल है 4 मीटर करके वहाँ हिंदू का भी बच्चे जाते और मुसलमान का भी जाते। फिर वो लोग स्कूल छुट्टी होने के टाइम में रास्ते में कबाड़ी की दुकान है कबाड़ी की दुकान में 8-10 लड़के हमारी बस्ती के वहाँ जाके बैठे रहते टपोरी जो काम धंधे नहीं हो तो उन स्कूल से जो बच्चे आते हैं ना उनको यानी कि सनकाते रहते गुस्सा दिलाते रहते एक दूसरे से झगड़ा कराने में उनको बहुत मजा आता है मजा आते थे वो लोग। जैसे वो लोग स्कूल बच्चे छूट के आते तो जहाँ टपोरी 8-10 और इधर से जा बैठे रहे कबाड़ी की दुकान खोल के बैठे हैं ना वहाँ और लड़के लोग बैठे रहे वो बच्चे लोग को झगड़ा कराने में उनको मजा आता। उस दिन भी वैसा हुआ वो लोग अपने समाज के बच्चे को चढ़ा दिए उसको मार वैसा मार तेरे को 500 दूंगा 200 दूंगा तो वैसे झगड़ा हो गए। वो झगड़ा हुआ तो एक लड़के का हाथ लग गए एक लड़के का इधर पैर लग गए सर को लग गए तो उसके उसके माँ आई उसके इसको अपने माँ के पास आया उसके माँ ने बोला कौन मारा तो उसके माँ ने भी चले गए वहाँ पे वहाँ गया तो उसके माँ को भी मार दिया वो लोग कौन मुसलमान लोग। वो झगड़ा आ गया हमारे बस्ती के अंदर। आपकी पत्नी को भी मार दिया? मेरे पत्नी को नहीं जो स्कूल बच्चे हुए थे स्कूल के बच्चे हुए थे उसकी पत्नी को मार दी थी। उसके बाद में वो झगड़ा गांव के अंदर आ गए गांव में हमारी हिंदू समाज के बैठक इकट्ठा हो ही रहा था कि उतने में उनका चालू हो गया। कितने बजे बैठक हुआ था? यही दोपहर की टाइम दोपहर को। हाँ जी तो वो लोग इकट्ठे हो गए जब तक नदी के उस पर छोटा झगड़ा हुआ वो झगड़ा बस्ती अंदर आके बहुत बड़े रूप ले लिए। वो लोग इकट्ठे हो गए कोई छत पे पत्थर ईट पत्थर औजार लेके धावा बोल दिए। कौन इकट्ठे हो गए? मुसलमान लोग। हाँ। धावा बोल दिए एकदम से सारे घर वाले पूरे जितने मोमेडियन हैं मुसलमान इकट्ठे हो गए औरत बच्चे से सब इकट्ठे हो गए छत के ऊपर पत्थर अपने हाथों में औजार लेके कुछ ऊपर छत से ईटे बरसा रहा है कुआं नीचे से जा रहा है। औजार में क्या क्या रखे थे? औजार के नाम क्या बताया सर जो हमारे खेती बाड़ी में काम आते टंगिया हसिया कुदारी गुप्ती बकरा काटने की जो आते हैं उसी को तो औजार बोलते ना। हम तो कभी पकड़े नहीं थे हमको मालूम भी नहीं। वो औजार लेके कुछ नीचे से कुछ अंदर से जहाँ हमारी मीटिंग हो रहा था उसके अंदर धावा बोल बैठक चले तो वहीं पर हमला किए। फिर मेरा बच्चा काम से आया काम में करते ट्रैक्टर में हमाली करने जाता मेरा लड़का आया खाना खा के जस्ट
बैठा ही था घर में कि उतने में आवाज़ आई झगड़े का, तो मेरे लड़का घर से निकला तो उसको खींच के ले गए अपने मोहल्ले में और मार के फेंक दी। कहाँ ले गए थे उसको पकड़ के? अपने मोहल्ले में। अपने मोहल्ले? हाँ, मेरा लड़का जैसे ही घर से निकला रोड पे तो उस पार उनका मोहल्ला है, वो तो अपने मोहल्ला ले गए खींच के। तो मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि मेरे लड़के को न्याय होना चाहिए। मेरे लड़के के साथ हुआ तो हुआ, आगे चल के कोई बच्चे के साथ, कोई हिंदू लड़के के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। बस अभी गाँव में कैसी स्थिति है आप तो देख ही रहे गाँव की स्थिति क्या बताएं। इससे पहले भी कुछ हुआ था इस तरह की? जी नहीं, इसके पहले कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। इस पूरे मामले को लेकर पूरे गांव में तनाव की स्थिति है, अभी क्या कुछ माहौल है गांव में? कुछ तो माहौल नहीं है, उनके सुरक्षा के लिए शासन उसके सुरक्षा के लिए रख दिए। उनके सुरक्षा के लिए? उनके सुरक्षा के लिए जो मुसलमान है उनके सुरक्षा के लिए रखे, और हमारे लिए नहीं। एक और छोटा भाई है। और एक मिनट, क्या नाम आपका? आशा साहू। अच्छा, लड़के क्या है? बहन हूँ मैं। इधर आइए थोड़ा छांव में। क्या 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 उनके सुरक्षा के लिए रखे है पुलिस कर्मी वहाँ पे है, हमारे लिए नहीं है। ठीक है, मेरे छोटा भाई है, और कल चल के उनको कुछ और कर दिया तो हमको जरूरत है ना सुरक्षा का। तो हम यही बोल रहे हैं, हमको न्याय होना, उनका जान होना, जान के बदले जान, जो जो शामिल थे और बाकी जो भी मुसलमान है वो नहीं होना है गाँव में। क्योंकि आज उसको दे देंगे हम जो भी सजा है, हमारे साथ देंगे अगर सरकार लोग तो हो जाएगा, फिर ये बाकी लोग रहेंगे सर के ऊपर। छोटी छोटी बच्ची है, वो लोग खुला घूम सकेंगे क्या? जो हम हमारे जो बड़े जो मेरा इतना भाई था वो उसको घसीट के लेकर चले गए, तो ये छोटे बच्चे का। और सबसे पहले तो छोटे बच्चे से शुरू की उन्होंने, वही बता रहे ना कांच डाल दिया करके। किसमें डाले थे कांच? कांच जो बॉटल रहती ना कांच का, वो फेंक के जो छोटी बच्ची थी ना उस पे मारे फेंक के। तो एक का यहाँ पे लगा और एक इधर लगा, तो जो उसकी मम्मी थी ना वो गई, मम्मी गई उसको भी मार दिया। तो फिर वही मामले में बैठक सकली है ना हिंदू लोगों का, जो हमारा है बुजुर्ग लोगों, तो उनके बीच में आके औजार पकड़ के आके, उनका पहले से था प्लान। कैसे प्लान था? जो छत है ना वहाँ पे ना ईंट पत्थर सब जमा करके रखे थे हर घरों के छत में, पहले से रखे, पहले से। एकदम से तुरंत कोई नहीं कर सकता है ना छत में, उनका पहले से प्लान था, पहले से झगड़ा करना था उनका। ऐसा है, ईट पत्थर ऊपर में लेके रखे थे, और बाकी कुछ लोग इधर घुस गए अंदर मीटिंग में, बाकी चौक चौक में अपन अपना प्लान जमा के बैठे थे। ऐसा था, आज मेरे भाई के साथ हुआ, कल और दूसरे भाई के साथ होगा। ठीक है ना, अब गए उसको तो ला नहीं सकते, लेकिन जो है उसको रोक तो सकते हैं ना, ये तो कर सकते हैं। सजा होना चाहिए। क्या चाहते थे सरकार से? हम वही चाहते हैं अपराधियों को सजा, मतलब उम्र कैद नहीं, फांसी, सीधा फांसी, और वो भी हमारे पूरे सामने में। ठीक है, या फिर नहीं कर सकते तो हमारे हवाले कर दो, ये है हमारी अपील, यही मांग रहे हैं हम। ठीक है, आपका क्या नाम दादा? लेखराम। क्या है बच्चे के? मैं दादा नाना 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 जी है। कैसी घटना हुआ पूरा? मैं नहीं जाना हूँ, मैं बाद में आया हूँ। मैं बाहर से आया हूँ, दूसरे गाँव से। हाँ, मासेर से आया हूँ। उनके पिताजी हैं, उनसे और बातचीत करेंगे, इधर आएंगे भी हम। इधर आ जाओ, छाव आ जाओ, छाव आ जाओ, बैठ जा। ये जो पूरा घटना हुए वो कल ये सरकार से कहा कुछ आप मन अपील करना चाहते हो, कैसे ढंग से कार्रवाई होना चाहिए? हम सरकार से ये कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सख्त से सख्त सजा दिलाए, उसको सजा दिलाए, कानून कार्रवाई करे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। क्या बताऊँ सर, क्या बता सकता हूँ, यही बताना। छोटे बच्चे के झगड़े बहुत बड़े विशाल रूप ले लिया, आज मेरे एक लड़के की बलि चढ़ा दी वो लोग, और वो लोग तो पहले से झगड़ा करना ही चाहते हैं, और क्या। और वो लोग तो छोटे से छोटे छोटे बच्चे ही औजार लेके घूमते हैं वो लोग तो। हाँ, बच्चे लोग औजार लेके, छोटे छोटे मुसलमान के छोटे से छोटे बच्चे औजार लेके घूमते सर, वो लोग जानबूझ के झगड़ा करना चाहते। हाँ, हम लोग को पूरा दबा के रखा है वो लोग। हाँ, उनकी पुलिस की सपोर्ट है, कानून का सपोर्ट है, कोई और राजनेता है उनको सपोर्ट करता है। इससे पहले गांव में कुछ हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से शादी हुई, ऐसा कुछ? हाँ, है ऐसा है। इस घर से भी है कि इस घर से नहीं है, वो हमारे गांव अंदर से ही है। हाँ, वो बात से भी लेके बहुत खुन्नस पे थे वो लोग। खुन्नस हिंदू वर्ग थे कि मुसलमान वर्ग? क्योंकि हिंदू लड़कियाँ मुसलमानों से शादी की है, क्योंकि मुसलमान लड़के हिंदू शादी, हिंदू लड़कियाँ मुसलमान लड़के से शादी की है। हाँ, तो हमारे एक धर्म सभा हुआ था, धर्म सभा में ऐसी हमारे हिंदू धर्म सभा हुआ था, वहाँ पे आए थे बार बार के लोग आए थे, ये हिंदू सभा के लोग समझाए कि मोमडियम से बात मत करो, कि उनकी दुकान में मत जाओ, उनकी
आज हमारी बहू बेटी को ले जा रहे हैं, उनसे लेन देन बंद करो। इस बात से लेके वो लोग और ज़्यादा चिड़ा हुआ है, वो उस दिन से लेके चिड़ा हुआ है, झगड़ा करना चाहते थे तो कर डाले, क्योंकि बहाना ढूंढ रहे थे वो लोग कि कब ये इनको मारने का मौका मिले। हाँ, एक बहाना ढूंढ रहे थे, कल बहाना मिल गए, उनकी तैयारी तो पहले से थी, कल मौका मिल गया, आज मेरे लड़के को बलि पकड़। तैयारी पहले से थी इस पूरी घटना की, और घर घर में चाहे वो पत्थर हो या ईंटें हो पहले से इकट्ठा करके रखे थे परिवार वालों का कहना है, जिसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मामला उस समय की है जब बच्चे काम करके घर लौटा था, फिर बाहर निकलते हैं और गाँव वालों का सभा चलता रहता है, हिंदू जो समाज उनका मीटिंग चलते रहते इस पूरे मामले को लेकर, झगड़े को लेकर के, तभी अचानक उस मीटिंग पर हमला होता है और ये जो पूरी घटना है वो घटित होता है। इससे कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि आखिर ये घटना कैसे घटित हुआ। लेकिन सबसे पहली बात ये और जानना चाहेंगे हम, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुआ है, घटने के बाद जिस तरीके से लथपथ वो थे खून से, उसके बाद पुलिस समय पर पहुंची कि पहले पहुंच चुकी थी, इस पर भी लगातार संजय है। पुलिस पहले पहुंची थी घटना की कि घटना के बाद पहुंची, मीटिंग होने के बाद, लड़ाई होने के बाद क्या सूचना दी गई थी, कब पहुंची थी पुलिस? जिस टाइम में वो बता रहे ना स्कूल के टाइम, स्कूल के बच्चे छुट्टी करके आए ना, उस टाइम ही पुलिस को किसी ने खबर दे दी, पुलिस भी वहाँ आए। पुलिस आए तो पुलिस उनके ही मोहल्ले में चले गए उनके साथ। हमारे जहाँ चौरा हिंदू लोगों का चौक है, वो चौक पे नहीं आए, वो पुलिस वाले उनके मोहल्ले में गए, और पुलिस 30-40 लड़के मोमेडियम लड़के हमारे तरफ औजार लेके आगे गए, तो उनके पीछे पीछे पुलिस वाले भी आए, फिर गोटे मारना चालू कर दिए। मुसलमान लड़के लोग जैसे गोटे मारने के चले, वही गोटे उठा के हम लोग भी उन पर मारना पड़े। उसके बाद में पुलिस वाले को लग गए, तो पुलिस वाले को लगा तो पुलिस वाले नीचे गिर गए, और जैसे ही जस्ट नीचे गिरा तो उस टाइम झगड़ा शांत हो गए। बाद में पता चला कि ईश्वर का लड़का वहाँ पड़ा है करके, एक डेढ़ घंटे बाद में पता चला मेरे को कि ईश्वर का लड़का वहाँ पड़ा है। जब जाके हम जा रहे थे, चलो और थे वहाँ पे हमारे हिंदू समाज के, उनको बोला चलो लड़के को उठा के लाते, तो मना कर दिए, मत जा तेरे को भी मार डालेंगे, मत जा, उनके साथ में तो पुलिस है, पुलिस के कब्जे में होगा, मत जा। आखिर में हमारा दिल नहीं माना, जब जाके हम गए, अब उसके मम्मी को लेके गया, उठा के लाए लड़के को, उठा के लाने के बाद भी वहाँ गया जहाँ मेरा लड़का पड़ा था, वहाँ उठा के लाया तो वहाँ कोई नहीं थे, ना पुलिस वाले नहीं थे, ना कोई मुसलमान भी नहीं थे, था उनका मोहल्ला लेकिन उस जगह में मतलब लड़का अकेले पड़ा हुआ था, लवारिस की तरह पड़ा हुआ था। फिर एम्बुलेंस कितने समय? एम्बुलेंस तो करीब 2 घंटे, लड़कियों का वहाँ से उठा के लाए चौराहे पे, जहाँ उस समय सांस चल रहा था लड़के लड़के का, अब मालूम नहीं सर, बता नहीं सकते, हम तो देख के ही हम चक्कर आ गए, हम देख के रोना चालू कर दिया, इतना हमको नहीं मालूम था। एम्बुलेंस को फ़ोन करने लगा तो एम्बुलेंस भी आया 2 घंटे बाद, वहाँ कोई पुलिस वाले नहीं। फिर हम लड़कों को लेके चले गए साझा हॉस्पिटल। अब साझा से आके देखा, जब पुलिस की बंदोबस्त देखा, जब झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के पहले एक गाड़ी आया था एक पुलिस की, उसमें 4-6 पुलिस वाले थे। उसके बाद में पुलिस वाले भी कहाँ गए और कौन कहा, इस तक कुछ नहीं मालूम सर, हम लड़कों की देख के हम ये गांव में माहौल शांत रहता है, पहले शांत रहता था कि अभी से शांत हुआ है? पहले से शांत था माहौल, जब से हिंदू धर्म सभा हुआ ना, जब से ज़्यादा बिगड़ गया। तो वो लोग वैसे भी जानबूझ के झगड़ा ही करना चाहते, हिंदू लोगों से मारना ही चाहते हिंदू। तो ये थे हमारे साथ उनके पिताजी भुवनेश्वर साहू के, उन्हें बताया कि घटना कैसे हुई और घटना को लेकर उनका क्या कुछ मांग है, और सरकार से यही मांग करते हैं कि भुवनेश्वर साहू को न्याय मिले, उनके परिवार के साथ न्याय हो। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से घटना घटित हुआ है वो बेहद ही हृदय विदारक है, न्याय मिले, जो आरोपी उनको फांसी की सजा हो, ये उनके परिवार की मांग है। मेरे सहयोगी चंद्र प्रकाश के साथ टिकेश वर्मा, बीरनपुर, बेमेतरा, छत्तीसगढ़।